मुंबई के भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर के की मौत हो गई। दोनों छात्रों की मौत आग में झुलसकर हुई है। बताया जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक धमाका हुआ और उसी से आग लग गई थी। दिन के करीब 12 बजे थे। मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का केमिस्ट्री लैब इकाई आग की लपटों और धुएं से घिर गया। आग की लपटें मॉड्यूलर लैब की तीसरी मंजिल से उठ रही थी। फायर ब्रिगेड को तुरंत इसकी खबर दी गई। दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन आग ने दो जिंदगियों को ले लिया। भाभा रिसर्च सेंटर की तरफ से जारी बयान के मुताबिक आग में झुलसकर जिन दो लोगों की मौत हुई है वो शोध छात्र थे और बार्क कॉलोनी में ही रहते थे। दो सस्पेक्टेड डिसीज उमंग सिंह और पार्था प्रतिम बाग, 24 से 25 वर्ष इनकी उम्र है, रिसर्च स्कॉलर थे बीआरसी में। और 12 बजे के जो फायर के इंसिडेंट हुए उसके बाद तकरीबन एक बजे तक फायर एक्सटिंग्विश किया गया। इन दोनों की डेड बॉडीज वहां पे मिली। फायर केमिकल लैब ऑफ द थर्ड फ्लोर ऑफ द मॉड्यूलर लैब बिल्डिंग इन द बीआरसी It started at about 12:15 in the morning when we first saw some flames coming out of the particular room of the particular lab room. And subsequently the fire brigade rose to the occasion and fire brigade of CRC and they got the fire in about 45 minutes time. लेबोरेटरी में आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के साथ साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहा है। वीरेंद्र सिंह गुलावर, मुंबई आज तक।